अंतःकरण चतुष्टय। पर एक पंजा और गायब है, वो तो तुम्हें बताना होगा। तो 24 तत्व थे, तब तक उसमें कोई प्राण नहीं था, पर 25वें तत्व के रूप में जब श्री नारायण मिले, आत्मा मिली, तो जीव के रूप में उसका प्राकट्य हुआ। सृष्टि का क्रम बताया, सृष्टि में पहले कौन आया? बोला भैया वो नारायण नाम क्यों पड़ा? बोला जल में पड़े हुए थे, जल को नार बोलते हैं, तो नारायण उनका नाम पड़ गया। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकटित हुए, ब्रह्मा नाभि के कमल के दल तक जाने का प्रयत्न करते हैं, पर कोई और छोर नहीं मिलता। तब समुद्र की आवाज होती है थप थप थप, तो तप करने का उनको प्रमाण मिलता है। वो तपस्या करते हैं पर नहीं ढूंढ पाते, ऊपर आते हैं। भगवान नारायण ने उनको चतुश्लोक की भागवत सुनाई, अहमेवासमेवाग्रे। और फिर नारायण से कौन प्रकट हुआ? ब्रह्मा नाभि कमल से। ब्रह्मा से कौन प्रकट हुए? पहले अयोनिज सृष्टि उन्होंने की, सनत कुमारों को किया, नारद जी का हुआ। उसके बाद मनु और सतरूपा का प्राकट्य किया, अपने ही शरीर की छाया को दो भागों में करके। ये पहली मैथुनी सृष्टि करने वाले लोग हैं जिसके ऊपर आज इतना विवाद हो रहा है। एडम थे कि मनु सतरूपा थे कि आदम थे, इसके ऊपर विवाद चल रहा है। वो कहते हैं पहला आदम आया, उनको ये पता ही नहीं है कि नारायण के नाभि से ब्रह्मा का उद्भव हुआ, ब्रह्मा के छाया से ये मनु और सतरूपा का उदय हुआ। उससे भी उनको समझना चाहिए कि सबसे एंशियंट एंड प्राचीन विधा क्या है, प्राचीन संस्कृति कौन सी है। हमारे सबसे पूर्वज नारायण हैं, उनके पूर्वज कहते हैं कि वो आदम है। ये विवाद का विषय मैं नहीं बनाना चाहता, पर अज्ञानता है उनकी। सनातन संस्कृति के किताबों को उन्होंने नहीं पढ़ा, कुछ भी बोलते रहते हैं। महाराज मनु सतरूपा से जन्म हुआ पांच का, कौन कौन जन्म लिए बताओ? देवहूति, प्रसूति, आकुति, और कौन जन्म लिया? प्रियव्रत और उत्तानपाद। उसमें देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि से। कर्दम ऋषि 10,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे थे। भगवान उनके पास आए और कहा मैं आपको दर्शन देने आया हूँ। प्रसन्न हो गए, बोला केवल दर्शन नहीं, मेरा एक उद्देश्य भी है। बोला आपका क्या उद्देश्य है? बोला मेरा उद्देश्य ये है कि आप गृहस्थ जीवन में आ जाइए। कहा मैं बाबा जी बन गया हूँ, मुझे क्यों गृहस्थ बनाना चाहते हो? कहा क्योंकि मैं तुम्हारे घर में बेटा बन के आना चाहता हूँ। कर्दम जी प्रसन्न हो गए, बाबा बाबा जिसके घर में तुम बेटा बनकर के आओ तो वो क्या बाबागिरी और क्या गृहस्थी, दोनों ही अच्छा है। भगवान बेटा बनकर के आवे तो गृहस्थ बनने में ही अच्छा है, फिर बाबा बन के क्या होगा। तो गृहस्थी धर्म का अपना। बोला किससे विवाह करोगे? बोला मनु सतरूपा अपनी बेटी को लेकर के आएंगे। पहली बार में हाँ मत बोल देना, पहले 2-3 बार ना ना बोलना, उसके बाद हाँ बोलना। कर्दम ऋषि महाराज इतने भोले भाले हैं कि जैसे ही आए अपनी बेटी को लेकर के, उन्होंने कहा हमें विवाह नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, अब करना है। मनु बोले ये क्या हुआ? बोला नहीं, वो भगवान बोले थे कि 2-3 बार मना करना और उसके बाद फिर हाँ करना, तो इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि हम ना बोले फिर तुम मनाओ, हम ना बोले तुम मनाओ, ना 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 हाँ कर दो। वो भगवान महाराज बोले कितना ये कितना भोले भाले हैं। उनके इस भोलेपन पर भगवान की आंखों से एक अश्रु के बुंद गिरे, वही अश्रु की बुंद जहां गिरी वही बिंदुसार तीर्थ बन गया, जिसे मातृगया भी कहते हैं। दिव्यातिदिव्य भाव से भगवान का प्राकट्य हो गया। अब इन दोनों का विवाह हो गया। जब ये अपनी लड़की को लेकर के आए थे तो कर्दम ऋषि लगातार देवहूति को देखे जा रहे थे। देवहूति बहुत सुंदर थी। मनु सतरूपा को बहुत बुरा लगा कि हमने तो सुना था कि कर्दम इतने बढ़िया ऋषि हैं, भाई नारियों को नहीं देखते, ये तो हमारी बेटी को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। ये कैसा ऋषि हो सकता है? ये कैसा साधु हो सकता है? महाराज पूछा कि आपको थोड़ी शर्म करनी चाहिए, क्या लगातार हमारी बेटी की तरफ देखे जा रहे हो? महाराज उसी समय कर्दम ऋषि ने कह दिया कि मैं ये देख रहा हूं कि अरे ब्रह्मा एक ही कैनवास होता है, उसी पर कैसी नासिका लगा देते हो, कैसी आंखें लगा देते हो, कैसे कान लगा देते हो, कैसे बाल लगा देते हो। कैनवास तो वही है पर उस पर एक से एक चित्र प्रकट कर देते हो। मैं ये सोच रहा हूं कि देवहूति इतनी सुंदर है तो राधा रानी कितनी सुंदर होगी, इसलिए मैं तुम्हारी देवहूति को देख रहा हूं। वाह भैया, भोग से योग की ओर दृष्टि चली गई, तुम्हारी योग से भोग की ओर चली जा रही है। कर्दम की भोग से योग की ओर चली जा रही है। दुनिया में न भोग बुरा है न योग बुरा है, पर तुम्हारा सिद्धांत क्या होना चाहिए? भोगों से योग की ओर जाना है। हम तो योग से भोग की ओर भाग रहे हैं। भारत योग का प्रधान था, भारत योगी देश था, अब भोगी हो रहा है। बाहर के लोग भोगी थे, अब वृंदावन में आके योगी हो रहे हैं।
लंदन के लोग आ रहे हैं, अमेरिका के आ रहे हैं, स्विट्जरलैंड के लोग आ रहे हैं, नीदरलैंड के लोग आ रहे हैं। तो भोग ठीक है, पर धीरे धीरे जिंदगी को योग की ओर ले चलो।